तो ओलंपिक चैंपियंस का चैंपियन की तरह स्वागत किया गया एयरपोर्ट में और उसके बाद सम्मान दिया गया जैसे दिया जाना चाहिए एक चैंपियन खिलाड़ी। बिल्कुल। और हम बात आप ब्रेक से पहले छोड़ के गए थे नीरज चोपड़ा की, और आपने कहा था कि नीरज चोपड़ा ने क्या क्या कहा हम सुनाएंगे सम्मान जब उनको दिया गया। तो एक बात जो उन्होंने कही जो मेरे दिल को तो बहुत भाई सौरभ वो थी कि दुश्मनों से मत डरो अपना बेस्ट दो। तो चलिए सुनाते हैं क्या कहा नीरज चोपड़ा ने। सबसे पहले उस सभी को नमस्ते और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूँगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं ऐसे ही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और मैं ही बताना चाहूंगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी और कॉम्पिटिशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पर। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं ये मेरा लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है। और मुझे लगा था कि ये मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है लेकिन वो थोड़ा उससे कम था और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में शोल्डर में एल्बो में, तो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अब चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे दैट मेन वाज वेरी फेमस, यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फोन आ गए हैं, जेल वालों के फोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे, एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एंबेसडर। जी मुझे लगता है कि मेरा, मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख लिया, वो सब गिर जाता था लाइन से आके। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है। नीरज चोपड़ा और बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। सभी ने चूंकि इस पूरे ओलंपिक को कवर किया है और इतना ही नहीं इनके पास मुझे लगता है 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। चार ओलंपिक्स, पांचों ओलंपिक्स। अब मुझे ये बताइए कि ये 7 मेडल्स और आज जो भारत की स्पोर्ट्स की स्थिति आपको दिख रही है क्रिकेट के अलावा, जी वो आपको उसका क्या फ्यूचर दिख रहा है? नहीं, फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है क्योंकि मुझे जो सरकार का स्पेशली साई का या फिर एसोसिएशन जो है, सबसे बेहतरीन बात यह कि एसोसिएशन जो है अब वो ज्यादा अच्छे तरीके से फंक्शन कर रही है और तालमेल सरकार और एसोसिएशन के बीच अच्छा दिख रहा है जिसकी वजह से खिलाड़ियों को फायदा हो रहा है। तो एक अच्छा भविष्य यहां से नजर आ रहा है मुझे कि और मेडल्स आएंगे, जैसा कह रहे हैं ना 20-24 पेरिस में हमारे 15-20 मेडल तक आ सकते हैं तो वाकई में आ सकते हैं। चलिए हम डबल डिजिट में जाएं कम से कम अगले ओलंपिक में, ये पूरे देश की कामना होगी। और इसी के साथ हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें सुपर 100 में।